क्या होता है जब आपकी कायाक नदी में पलट जाती? आप डूबते नहीं हो क्या? अच्छा, आपको तो स्विमिंग आती होगी। अच्छा, आप पानी में पूरे उल्टे हो जाते हो? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझसे काफी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस का जवाब दूं, एक छोटा सा इंट्रो तो बनता है ना बॉस। मस्त रेस थी ना भाई साहब, तो बड़ी बड़ी। तो देखो यार, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपका एम ये रहता है कि आपकी कायाक फ्लिप होगी ना, बट अगर आपकी कायाक फ्लिप हो जाती है तब क्या? सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी कायाक को स्टेबल रख सकते हैं, कैसे हम अपनी कायाक को फ्लिप होने से बचा सकते हैं, और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कायाक फ्लिप होती है, जो कि होनी ही होनी है, कई बार होनी है, बहुत बार होनी है, तो उस केस में क्या किया जाए। तो देखो यार, वैसे तो मैं एक बिगनर ही हूँ, अभी कायाकिंग बस स्टार्ट ही कर रहा हूँ, अभी कुछ टाइम ही हुआ है मुझे कायाकिंग करते हुए, बट स्टिल कायाक स्कूल के 15 डेज में जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, उसके बेसिस पे मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट एक दो बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला हमारा एम क्या होता है, हम वेव्स को स्ट्रेट हिट करें। रीजन बिंग, देखो अगर वेव साइड से आएगी तो बहुत हाई चांस है कि वो आपको पलटाएगी। अगर राइट साइड से आएगी तो वो आपको लेफ्ट साइड पलटा सकती है। अगर लेफ्ट साइड से आएगी तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपको राइट साइड पलटाएगी। बट अगर आप वेव्स को स्ट्रेट हिट करोगे तो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये देखो, ये रोलर कोस्टर रैपिड है, कर्लिंग वेव बन रही थी, मैंने इसको थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में हिट करा, तो क्या हुआ ये देखो। सेम रैपिड, सेम टाइप की वेव, नेक्स्ट रन में मैंने स्ट्रेट हिट करा और फिर देखो क्या हुआ। तो चलो ये तो ठीक है कि वेव्स को स्ट्रेट हिट करने की कोशिश करनी है, समझ में आ गया। बट आप बोलोगे यार, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वेव्स को स्ट्रेट हिट कर ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस देखो, ये रैपिड है रिटर्न टू सेंडर, रॉक से टकरा के यहाँ पर वेव्स राइट साइड से आ रही है। अब आप वेव्स को स्ट्रेट हिट करना चाहोगे तो आप रॉक से टकरा जाओगे, है ना? तो ऐसे में आप क्या करते हो, आपको वेव की तरफ लीन होना होता है। अगर वेव राइट साइड से आ रही है तो आपको अपना राइट साइड लीन होना होता है। राइट साइड लीन होना मतलब राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर। ऐसे में क्या होगा, जो वेव है वो आपको नहीं पलटा पाएगी। बट जनरली हमारा इंट्यूशन क्या होता है, जैसे वेव आ रही है तो हम वेव से बचने की कोशिश करेंगे। राइट साइड से वेव आ रही है तो बचने के लिए, ओ वेव आ रही है, वेव आ रही है, तो हम लेफ्ट साइड लीन कर देंगे। तो इस केस में आप वेव को बोल रहे हो कि आ और मुझे पलटा दे, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, जो कि टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। बट इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है रिवर में कि आपकी कायाक पलट जाए। सो कीपिंग दैट इन माइंड, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, कि अगर आपकी कायाक फ्लिप हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। तो रफली ये तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप क्या कोशिश करते हो, सिंपल सी बात है, आप उल्टे हुए हो, आप पलट गए हो, तो आपका एम रहेगा सीधा होना वापस, है ना? तो सीधा होने के लिए सबसे पहले हम एक चीज ट्राई करते हैं जिसको बोलते हैं रोल। एस्किमो स्वीप रोल होता है, सी टू सी रोल होता है, बैक डेक रोल होता है, अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं, जिसका पर्पस सिंपल है, आपको आपकी कायाक सहित वापस ले आना, वापस मतलब नॉर्मल पोजिशन पे। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट रोल शायद जितना ईजी लगता है, जितना सिंपल लगता है बाहर से देखने में, उतना सिंपल नहीं होता है। उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, बहुत सारी चीज़ों का आपको एक साथ ध्यान रखना होता है। अगर आपने एक भी पॉइंट गलत करा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका रोल मिस हो जाए। फिर क्या होता है, एक फ्लैट वाटर में रोल करना माइट बी अ बिट ईजियर, बट हो सकता है आप वर्लपूल में फंस गए, वहां पर रोल मारना डिफिकल्ट हो सकता है। आप बड़ी वेव्स के बीच में हो, वहां पर रोल मारते हुए एक अलग फील होता है, वहां पर रोल मारना थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार वेव्स आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। आप जिधर से उठना चाह रहे हो आप उठ भी जाते हो, कई बार वेव्स आपको फिर से दबा देती है। तो रोल अच्छा करने के लिए काफी टाइम देना पड़ता है, काफी एनर्जी लगती है, काफी मेंटल एनर्जी भी लगती है, बिकॉज आप बार बार इनो आफत आ रही है, आपके नाक के अंदर पानी जा रहा है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ठंड लग रही है, नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, बिल्कुल ठंडा पानी है, ग्लेशियर से आ रहा है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको उल्टा होना पड़ेगा। तो अब मैं कुछ रैपिड्स में दिखाता हूं, जैसे मैं एकदम से पलट गया था, फिर मैंने रोल मारा, मैं सीधा हो गया। जैसे ये रैपिड है डबल ट्रबल, डबल ट्रबल में क्या हुआ, एक जगह पे मैं फ्लिप हो गया, जब मैं फ्लिप हुआ मैंने रोल ट्राई करा, मेरा रोल मिस हुआ, फिर मैंने फिर से सेटअप बनाया, फिर से रोल ट्राई करा और मेरा रोल लग गया।
ऐसे करके हम मल्टीपल बार भी रोल ट्राई कर सकते हैं, अगर हमारा एक बार रोल नहीं लगा तो हम दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं, तीसरी बार ट्राई कर सकते हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने दो बार तीन बार चार बार रोल ट्राई कर लिया बट नहीं लग रहा है, रोल लग ही नहीं रहा है, फिर क्या करा जाए। तो नाउ वी कम टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज टी रेस्क्यू। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि टी रेस्क्यू क्या होता है, हियर इज अ मैसेज फ्रॉम अ स्पॉन्सर Unacademy. So Unacademy is one of the leading online learning platforms in India, जिसमें कि आप different competitive exams जैसे कि IIT JEE, NEET, CAT इन सब की तैयारी कर सकते हो। तो IIT JEE aspirants के लिए अभी Unacademy ने निकाला है Super 20, जो कि एक online test है जिसमें 30 questions होंगे, आपके पास 60 minutes होंगे, तो आप लोग इसमें enroll कर सकते हो। और enroll करते हुए मेरा referral code YG10 ये use करना ना भूले। Scholarships हैं बहुत अच्छी अच्छी, top rankers के लिए scholarships तो हैं ही जैसे कि मैंने आपको बताया, बट उसके अलावा कुछ lucky winners को कुछ amazing prizes भी मिलेंगे, जैसे कि MacBook, iPad, etc. etc. एक और टेस्ट है दिसंबर 12 को 2 PM, 3 घंटे का ये टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप टॉप रैंक्स लाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और Unacademy का नया बैच 8 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, रैपिड रिवीजन बैच फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2022। ये 4 मंथ का रिवीजन कोर्स होगा JEE मेन एंड एडवांस के लिए। और Unacademy Ask a Doubt में नए अपडेट्स आए हैं, सो इस तरह के स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं Unacademy ऐप से। और आप किसी भी टेस्ट के लिए एनरोल करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड YG10। तो चलो यार, आप वापस उसी सिनेरियो पे चलते हैं कि हमारी कायाक फ्लिप हो गई है, हमने रोल करने की कोशिश करी, मल्टीपल बार करी, बट हम रोल नहीं कर पा रहे। तो अब क्या करेंगे, अब हम टी रेस्क्यू लेंगे। ये टी रेस्क्यू किस चिड़िया का नाम है, चलो देखते हैं। तो देखो, टी रेस्क्यू में क्या होता है, आप अपनी कायाक बजाते हो, कायाक बजाने का मतलब आप दूसरे बंदे को बता रहे हो कि देखो मैं पलट गया, मुझे रेस्क्यू करने आओ। फिर दूसरा बंदा अपनी कायाक लेके आपके पास आता है, आप अपने हाथ से उसकी कायाक सर्च करते हो, देखते हो कि अच्छा कहाँ पे वो टकराई है। जैसे आपको दूसरे बंदे की कायाक फील होगी, आप उसकी कायाक का सहारा लेके सीधे हो जाओगे। तो ये होता है टी रेस्क्यू, बट ये भी हर जगह नहीं हो पाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो दूसरा बंदा है वो बहुत दूर है आपसे, या फिर आप अकेले हो रिवर में, या कई बार क्या होता है वेव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स रैपिड जो है उसमें बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। ऐसे केस में क्या होता है, टी रेस्क्यू देना भी मुश्किल होता है और टी रेस्क्यू लेना भी मुश्किल होता है। बिकॉज क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स है तो दूसरे बंदे की कायाक बहुत आगे पीछे जाने की कोशिश कर सकती है, बट आपने तो उसकी कायाक पकड़ रखी है, तो एकदम शोल्डर पे झटका लग सकता है, शोल्डर डिसलोकेट होने के चांस होते हैं। तो जनरली बहुत बड़ी वेव्स में हम अवॉइड करते हैं टी रेस्क्यू देना भी और लेना भी। तो अब बात करते हैं थर्ड केस की, हमने रोल ट्राई करा, हमसे रोल नहीं लगा, हम टी रेस्क्यू भी नहीं ले पा रहे, तो अब क्या किया जाए। तो अब आती है वो चीज़ जिसको आप एक इमरजेंसी एग्जिट बोल सकते हो काइंड ऑफ। तो इसको वेट एग्जिट भी बोला जाता है। इसमें आप क्या करते हो, अपना स्पेडेक खोल देते हो। स्पेडेक वो होता है जो ज्यादा पानी आपके कायाक के अंदर नहीं जाने देता है, वो आप स्पेडेक खोल देते हो। जैसे ही आप अपना स्पेडेक खोलते हो, आप अपनी कायाक से दूर हो जाते हो, आप अलग, आपकी कायाक अलग। अब देखो, कई लोगों को लगता है कि आपको कायाकिंग सीखने के लिए बहुत अच्छी स्विमिंग आनी चाहिए। हाँ, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपके पास एक एडवांटेज है डेफिनेटली, बट जैसे आपने अपना स्पेडेक खोला, आप अलग, आपकी कायाक अलग, आपका स्विम हो गया। इस केस में हमें एक्चुअल स्विमिंग तो बहुत कम ही करनी होती है, क्योंकि देखो लोग पूछते हैं, अरे अगर आपको स्विम हो गया तो आप डूबोगे नहीं अगर आपको स्विमिंग नहीं आती। तो आपने अपना PFD पहना होता है, पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस, एक टाइप की लाइफ जैकेट आप उसको बोल सकते हो। तो आपका PFD जो है वो आपको डूबने से बचाता है, वो आपको फ्लोट करता है। तो ये देखो, गोल्फ कोर्स में ये मेरा पहला स्विम था, जब पहली बार मैं गोल्फ कोर्स में गया उसी दिन मेरा स्विम हो गया था। मैंने रोल ट्राई करा, उसके बाद मैंने टी रेस्क्यू लेने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि भैया ने पहले बोला था कि अवॉइड करना टी रेस्क्यू लेना। तो मैंने रोल ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, मुझसे नहीं लगा, एंड देन मैंने अपना स्पेडेक खोला और मैं बाहर आ गया। उसके बाद जो मेरा गोल्फ कोर्स मेरा नंबर 2 था 3 था, बहुत अच्छा गया, मैं फ्लिप नहीं हुआ उसमें। बट रन नंबर 4 में मैं फिर से फ्लिप हुआ, फिर से रोल ट्राई करा, फिर से रोल नहीं लगा और मेरा फिर से स्विम हो गया। और उस दिन का जो स्विम था वो सबसे इंटरेस्टिंग था, सबसे ज़्यादा एडवेंचरस था, क्योंकि उस दिन के स्विम में क्या हुआ, मैं स्पेडेक से तो बाहर आ गया, बट जैसी मैं स्पेडेक से बाहर आया, दमन भैया की कायाक मेरे सर के ऊपर आ गई। तो मुझे फील हुआ कि मेरे ऊपर दूसरी कायाक है, तो मैंने थोड़ा हाथ पैर मारे, मैं इधर उधर गया और मैं भैया की कायाक से दूर हो गया। तो मेरी कायाक बह रही है अलग, मैं अलग बह रहा हूँ, बट मैं अभी पानी के नीचे ही हूँ। मतलब मेरा स्विम शुरू हो गया है, मैं कायाक से अलग आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरा सर पानी के नीचे है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स थी। तो इससे पहले कि मेरा सर पानी के ऊपर आ पाता, उसी में काफ़ी टाइम लग गया। मेरा सर पानी के नीचे ही है, ठीक है, मैं अभी तक, मेरे को है कि सांस नहीं आ रही, मतलब ऐसी कोई पैनिक नहीं करा मैंने बहुत ज़्यादा, बट मेरे को था कि हाँ सांस नहीं आ रही। तो मुझे था कि ऑब्वियसली कुछ सेकंड्स बाद तो मैं बाहर आ ही जाऊँगा। तो कुछ सेकंड्स हुए और जैसी मैंने ऊपर करा, एक बड़ी सी वेव आई और उसने मेरे मुँह को हिट करा। तो हम सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं पानी के ऊपर, तो हम अपना मुँह भी खोल देते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हो,
जिससे कि थोड़ा सा आपको सांस लेने में भी और तकलीफ होने लग जाती है। तो मैंने कोशिश करी अपने आप को जितना काम हो पाया उतना काम रखने की। मैंने क्या करा, जैसे ही वेव आ रही थी मैं मुंह बंद कर दे रहा था, जैसे ही वेव जा रही थी मैं मुंह खोल के सांस ले रहा था, फिर जैसे ही वेव आ रही थी मैं मुंह फिर से बंद कर दे रहा था, और जैसे ही सामने से बड़ी वेव आ रही थी तो मैं क्या कर रहा था, अपना हेड 180 डिग्री रोटेट करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो वेव मेरे बैक साइड को हिट करे और मैं उतना ज्यादा पानी ना पीऊं। तो स्विम में यही होता है यार कि बड़ी वेव्स आ रही है तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना होता है क्योंकि सांस नहीं आ रही होती है, हम डर जाते हैं। बट होता क्या है, जितना हम डरेंगे ना उतना प्रॉब्लम होगी। अगर हम डरेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे तो जैसे ही वेव्स आएंगे हम बहुत सारा पानी एक साथ पी लेंगे तो उससे गला चोक होने के चांस होते हैं। तो इसीलिए रिवर में पानी के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आपको अलर्ट होना है बट एट द सेम टाइम पैनिक नहीं करना है, काम रहना है रिवर में। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो पानी में, अच्छे से आपका रोल लगने लगता है, स्विम्स भी कई बार होते हैं, स्विम्स भी आप एक्सपीरियंस करते हो, तो धीरे धीरे आप पानी के साथ और कंफर्टेबल होने लगते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता लगे कि अगर किसी की कायाक फ्लिप होती है या फिर इनफैक्ट राफ्ट भी फ्लिप होती है ना तो उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स मतलब जैसे पैनिक नहीं करना है, राफ्ट फ्लिप होती है कई बार क्या होता है, वही होता है कि आदमी पैनिक कर जाता है, राफ्ट छोड़ देता है, बहुत सारा पानी पी लेता है बड़ी वेव्स में, तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ज़्यादा। कभी राफ्ट फ्लिप होती है ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, आपकी लाइफ जैकेट आपके साथ है, वो आपको बचा के रखेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप ये वीडियो औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई उनको कभी ना कभी जीवन में काम आ जाए, है ना। और अगर आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज, मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक लिए 100% इन व्हाट एवर यू डू बी हैप्पी, make others happy and smile. You and I, we got it.